So let's read the question. Question is, in a triangle ABC, a line is drawn passing through center dividing AB internally in the ratio 2 is to 1 and AC in lambda is to 1 internally. The value of lambda is 4 options are given. क्वेश्चन में हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आएगी? गिवन क्या है, एक ट्रायंगल है हमारा. लेट सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी. दिस इज अवर ट्रायंगल ए बी सी. सेंट्रोइड है. लेट सपोज एक लाइन जो सेंट्रोइड से पास कर रही है जी से, इसको हम ले लेते हैं एक्स वाई. ये क्या है, इसको ए बी को 2:1 के और ए सी को लैम्डा 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है. हमें पता है जो मीडियन होता है वो सेंट्रोइड से पास करता है, और जो सेंट्रोइड है मीडियन को इसको हम डी ले लेते हैं. किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. ए को हम ले लेते हैं ओरिजिन, और बी का लेट्स सपोज पोजीशन वेक्टर हमारा है वेक्टर बी, और सी का जो पोजीशन वेक्टर ये है हमारा वेक्टर सी. तो डी को जो हमारा ए डी का मीडियन है, तो ये रेशियो कितना होगा हमारा 1:1 का रेशियो होगा. तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे? डी को हम क्या ले सकते हैं? मिड पॉइंट बन जाएगा. तो बी से का तो बी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मिड 2 आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम जी के कोऑर्डिनेट निकालें, जी हमारे पास क्या आएगा, जो ए डी है सॉरी जी पॉइंट है हमारे पास, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? ए बी लाइन हमारी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ना सेंट्रोइड हमारा मीडियन को. तो ये हमारे पास आएगा 2 × वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में 2, और प्लस का आ जाएगा 0 वेक्टर अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 2+1 3. दैट इज ये फाइनली आएगा हमारा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में 3 आ जाएगा. ये हमारे पास जी है, जी का पोजिशन वेक्टर आ गया. सिमिलर अगर हम x को निकालें, x हमारे पास क्या आने वाला है, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है x ए बी को. तो ये हमारा आएगा 2 × vector b/3, और y के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये हमारे आएंगे लैम्डा इंटू में वेक्टर सी अपॉन में आ जाएगा लैम्डा प्लस y. नाउ लेट करेंगे जो हमारे पास एक्स जी अपॉन जी वाई, ये रेशियो क्या है, k के इक्वल है. तो दिस इंप्लाइज एक्स जी इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू जी वाई के इक्वल आ जाएगा. एक्स हमारा क्या है, वेक्टर बी, ये हमारे पास आएगा बी प्लस सी अपॉन में 3, पोजिशन वेक्टर ऑफ जी, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास पोजिशन वेक्टर ऑफ एक्स. दैट इज माइनस का हमारा है 2 × vector b/3 इज इक्वल टू के इंटू जी वाई, हमारे पास आएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ वाई, ये हमारा किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी अपॉन लैम्डा प्लस 1, और माइनस का आ जाएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन में 3 आ जाएगा. तो इसको सोल्व करते हैं, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 तो नीचे आ जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू, लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा लैम्डा के इंटू वेक्टर सी अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और माइनस का आएगा हमारा के इंटू में वेक्टर सी अपॉन में 3, एंड माइनस का के इंटू में वेक्टर बी अपॉन में 3. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अगर यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड है राइट साइड, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, बी के कोएफिशिएंट वेक्टर बी के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, तो हमें के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सिंपल एज यहाँ से के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ये हमारी आ गई के की वैल्यू. तो पुट कर देंगे हम इसमें, दिस इंप्लाइज हमारे पास आएगा, अगर हम इसमें सी के कोएफिशिएंट वेक्टर से कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, लेफ्ट साइड में हमारे पास 1 अपॉन 3, राइट साइड में k की वैल्यू हमारी 1 है, तो लैम्डा अपॉन में लैम्डा प्लस 1 एंड माइनस का 1 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो फाइनली आ जाएगा 2 λ + 2 इज इक्वल टू 3 λ. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 2. तो हमें लैम्डा ही फाइंड करना था जो किसके इक्वल आ जाए, 2 के इक्वल. तो ग्रेट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.